ये कमाल है, कंफ्यूज किया जाता है भोले भाले मुसलमान। मुसलमान बहुत प्यारा है खुदा की कसम, किसी भी फिरके का हो मुसलमान, मेरा भाई आपका भाई, उसे जितना बताया गया उसकी डोरी जुटनी है। आप कुरान की बुनियाद पर ईमानदारी के साथ किसी भी मुसलमान को नबी की अजमत का हवाला देकर आप बात करें वो कबूल करेगा। आज साहब क्या हुआ, देखिए कंफ्यूजन क्या है मुसलमानों में, जिस मुसलमान ने छोटो छोटो को बहुत बड़ा माना है कर दिया, मुसलमान छोटो छोटो को इस बिना पर माना रसूल से निस्बत, रसूल के पहलू में बैठे थे, पहलू नशीनी यानी सोहबत सहाबी होना बहुत बड़ा शरफ है। तो जिनके खानदानों की खबर भी नहीं थी, नबी के पहलू ने उनको उतना मुमताज बना दिया, के अंधेरों में गुम थे पता ही नहीं था, कोई चेहरा भी नहीं जानता था, सोहबत पैगंबर खतवी मर्तबा करे हर एक किसी को क्या मर्तबा दिया, अल्लाह अकबर, सहाबी नबी के वफादार सहाबी पर हमारी जाने कुर्बान, क्या बात है, मालूम है आलम इस्लाम में क्या कहा जाता है, शिया सहाबा के दुश्मन है, आप उस बतुआ कीजिए सहाबा के नाम का ताकि उन्हें सबूत मिल जाए, है हमें कहते बताइए सफेद झूठ, सहाबा के दुश्मन है ऐसे प्यारी कौम बिचारी, सहाबा के दुश्मन सहाबा कौन है भाई, अरे भाई जो सबसे बड़ा सहाबी है उसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि उसने नबी को अपने दोष पर उठाया था, जिसने नबी के कदमों को अपने दोष पर उठाया था ना उसको मुसलमान अपनी आंखों पर रखता, जरा समझ लीजिए ठीक है ना, इसका मतलब कि जो नबी की सवारी बन जाए मुहतरम हो जाता है। अब हम आज भी 1400 बरस हो गए इस उज्जैना को कैसे चूम रहे हैं, पहुंचे नहीं क्या मैं पहुंचाना चाहता हूँ, जिस कौम की मेंटेलिटी ये हो कि नबी के नवासे के घोड़े की छवि को 1400 साल के बाद भी चूमता हो के सहाबी को बुरा कहेगा, साहब सहाबा को तो बुरा कह रहा, अरे कीड़े पड़ जाए जबान में जो सहाबा को बुरा कहे, दहन में आग लग जाए जो सहाबा कराम को बुरा कहे, जो सहाबा से बदगुमानी रखे हमारी नजर में काफिर है मुशरिक है, तो जो जा रहा सहाबा को बुरा कहते ही नहीं, अरे भाई बड़े हालात खराब है आओ गले मिल लो एक हो जाओ मुसलमानो, इन नमल मोमिनों ने हुआ कुरान की आयत है मोमिनीन आपस में भाई भाई है तो गले मिलो, का शिकवा आपसे है आप बिल्कुल अच्छे आदमी है मगर आप में एक ही माइनस पॉइंट है, आप सहाबा को बुरा कहते नहीं कहते भाई सब पे कुरान रख के कहे बुरा कहते सहाबा को बुरा नहीं कहते, तो आप कंप्रोमाइज कर लो, क्या कंप्रोमाइज कर वो एक बात कर लो कुरान के नजर आज के बाद इससे पहले भी नहीं कहा और कयामत तक की जिम्मेदारी लेते हैं हम अपने फिरके की, कि एक बच्चा भी आने वाले दौर में मुस्तकबिल में फ्यूचर में सुबह कयामत तक किसी सहाबी को बुरा नहीं कहेगा, मगर एक कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा तो किसी सहाबी को बुरा नहीं कहेगा मगर आप भी किसी बुरे को सहाबी Allah 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 Allah
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کام پورا کہہ سکتا ہے صحابہ کرام کو جن کو نبی نے پروایا ہو پالا ہو انہیں پورا کہنے والا کافر مگر ایمانداری پر سیکھنا پڑے گا جنہیں محمد پالے جنہیں محمد پالے انہیں برا کہہ دے تو کافر ہو جائے اور جو محمد کو پالے ابھی تو آیت کا ترجمہ ہوا ہے آج ہی آیت اب سمجھے نا کنفیوژن کیا ہے کنفیوژن کیا ہے ایمان پہ بحث کر رہے ہیں یہ ٹوٹل سراسر کنفیوژن پھیلانے کی سازش کہ ابو طالب کے ایمان میں اٹکا دو مسلمانوں کیا کار کی بحث میں اٹکا دو بس کہ وہ ایمان نہیں لایا ایمان نہیں لایا کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا ارے بھائی سامنے کی بات ہے موٹے سے موٹے دباؤ کا مسلمان بھی اگر نالج پیدا کر لے تو بڑے سے بڑے عالم سے الجھ پڑے گا جب بڑے سے بڑا عالم کہے ارے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو فوراً پلٹ کہے گا کلمہ نہیں پڑھا محمد کا نکاح تو حضرت جی نے قوم کو یہ تو بتایا کہ محمد کے چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا مگر یہ نہیں بتایا کہ محمد کا نکاح کس نے پڑھا دونوں چیزیں بتاؤ نا بتاتے کیوں نہیں اگر یہ بتا دیا نکاح پڑھا تھا تو بیچارہ مسلمان محبت رسول میں پوچھے گا کہ حضور کا نکاح کافر نے کیسے پڑھا اپنا مذہب یاد آئے نہ آئے ایک موقع پر ضرور یاد آتا سر بتائیے آپ پیشنٹ ہیں مریض ہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو نہیں سکتا مولا کی ضمانت میں ہیں آپ ہاسپٹلائز ہو گئے ڈاکٹر نے کہا بلڈ چاہیے چڑھے گا تو کیا آپ اپنے مذہب والا تلاش کریں گے بلڈ تلاش کریں گے یا مذہب والا بلڈ تلاش کریں گے آج کل بلڈ کا بھی بڑا لوگوں کے اوپر مرض اور دورہ پڑا ہوا ہے کھل کر بات کہہ دوں آدمی کیپسول ایسا بناتا ہے خطرناک آدمی دل میں رہ جاتا ہے کچھ کر بھی نہیں جاتا اب بتائیے ایک صاحب آیا آپ کے پاس ارے بھائی بیٹے چاند میرے لال میری جان جو جوان ہو 18 برس کا سن ہے کیسے چاند سے ہو ماں کی تمناؤں کی بہار ہو وہ یہ ہو بیٹے بہت اچھا کام کرتے ہو حسین کے بڑے چاہنے والے ہو ماتم کرتے ہو زنجیر کا تباہ کا ہاں میں تو ہر سال کرتا ہوں کہ بیٹے خون بہانے سے کیا فائدہ کسی کی جان بچے گی ڈونیٹ کر باپ کتنی مضبوط کر کے کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا بھائی صاحب کہا صحیح تو کہہ رہا ہے بھائی کسی کی جان بچے گی امام حسین خوش ہوں گے جنہوں نے اسلام کی جان بچائی کیا میرا ماتمدار کسی کی جان بچا رہا بات بہت خوبصورت ہے مگر ہم ایگری ہیں اس بات سے لیکن ایک بات بتاؤ خون دینا کسی کی جان بچانا عبادت سے بھی بڑھ کر عبادت ہے بہت اچھی چیز ہے اللہ خوش رسول خوش حسین خوش دین خوش قرآن خوش اچھی چیز ہے نا کوئی ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا کہاں پھنسایا مولوی نے لا کے دیکھی لگاتے ہو تو خون گرتا ہے زمین پر بیکار ہو جاتا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے اسے تم ذرا کارآمد کر لو وہ بیکار جاتا ہے اب تو یہی بڑی جرات ہے جرات نہیں بدتمیزی یہ ادب عشق کے
खिलाफ है ये बात। चलिए हम दिल पे पत्थर रख कर आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, मगर आज ये बताओ अपने रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर अपने दीन को अपना गवाह बनाकर कि पूरी दुनिया में कितने परसेंट मातम करते हैं, निकालिए जरा कितने परसेंट मातम करते हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मेंबर से, 5% ऑनली गंजीर का मातम करते हो 5% है, इसका मतलब है 95% नहीं करते। तो बेचारे जो साल भर में कई बार को भी पता है कि दुनिया को खून वही दे सकता है जो किसी की जान बचे जो जाने मजीद की आयत है, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया कायनात से। हम इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं है, मानते एक्सेप्ट करते हैं कबूल करते हैं, मगर भाई गुजारिश इतनी है 95% से कहिए ये बात। ये तो भाई राय बिचारे के पास है ही कहां। दूसरी बात है, ज़हरत का भी तो तकाजा है कि जो हुसैन को खून दे दे फिर वो खून किसी और के लिए। अच्छा दूसरी बात ये कि ये पीछे से पुश कौन करता है, ये पीछे से पुश वही कर रहे हैं जो कौम में इंतजार पैदा कर रहे हैं। खुदा मुझे गारत करते नसीब ना हो, लानत में गिरफ्तार कर दे ऐसे बोलो, अगर गलत कह रहा हूँ जुरत होना चाहिए बोलने, पाक खाना खाते हैं ये करता ले दी माशाल्लाह। चेहरे पे रौनक, आप कहेंगे पाक खाना कौन खाते, सहमे इमाम से पाक है कोई चीज। आप दीजिए ना पाप खून जाके कुछ असर तब्दील करे। अरे तो बात थी, बातें ऐसी ऐसी कही जाती है जो इंसान का दिमाग कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, फिर लड़ने का वादा हो जाता है। एक बारीकियों को समझने की जरूरत है, इंतजार से बचने की जरूरत है। अब मैं बताता हूँ, हजरत अबू तालिब के साथ यही केस हुआ, 1400 बरस से ये केस चल रहा है। पर एक साइकोलॉजी को उभारता है इंसान जब उनकी अजमतों के सामने दुनियाए बशरियत सर झुकाने पर मजबूर होती है। वो कहती है क्या कहना अपने बच्चों को कुर्बान किया, हमारे रसूल को पाला, क्या कहना अपने को सजदे किया, हमारे रसूल को पाला, क्या कहना अबू तालिब का सारी दौलत लुटा दी, अल्लाह के हबीब को पाला, क्या कहना अबू तालिब का, अब उनके पसीने पर खून बहाते थे, क्या कहना अबू तालिब का, 3 साल तक शहबे अबू तालिब ने अपने 4 बेटों को नंगी तलवारों के नीचे काफिरों को मुशरिकों की बिला झिझक और बेतरे मिटाते रहे, क्या कहना। डर हुआ कि कहीं समुद्री ना चले जाए। किसकी तारीफ करो, उन्होंने तो कलमा पढ़ाई नहीं था। अब ये ऐसी बात है, यहाँ आके नफ्सियात तिवार हो गए, अच्छा कलमा नहीं पढ़ाता। अरे यार सोचने की जहमत नहीं करेगा कि क्या ये पॉसिबल है कैसी शख्सियत कलमा ना पढ़े। अच्छा अगर नहीं भी आपने सुना था तो नबी ने निकाह पढ़वाया, यही काफी था। इसको आप छोटी बात समझ रहे हैं, हर मौके पर खून लेने के मौके पर मजहब नहीं देखेगा आदमी, दावत करते कोई आपकी बस मोमिन और मुसलमान होना चाहते हैं,
साहिब किताब अरे मुसलमान में ना साहिब किताब सही फिरते वाला अगर ईसाई की होती तो अपने मजहबत सही है आदमी उसके आगे खा सकते हैं तो आप तलाश करेंगे चूंकि किताब में हमारा हम मजहब है एक अल्लाह को मानता है मूसा को मानता है ये ईसा को मानता है और तौहीद को इस को तौहीद का कायल रिसालत का कायल शरीयत का कायल सबको मानता है कयामत का कायल इस्लाम आपको इजाजत देता है नबी आप कबूल करते जाएंगे परमिशन है खाइए खाते के बाद जब दावत होगी आप पूछते हैं अपना मजहब नहीं पूछते कि भैया तेरा मजहब क्या है एक खा लेंगे किसी मौके पूछते बेटी की शादी या बेटे की शादी आए है अब कितना भी नेक परहेजगार मुत्तकी आ जाए आपसे बंद करके निकाले ही पढ़वाएंगे अब पूछेंगे आपका मजहब आपका मजहब क्या है पता है चला पूरी जिंदगी में मजहब पूछे ना पूछे निकाह के बाद जरूर पूछेगा तो जिसकी सुन्नत है निकाह उस मोहम्मद ने आंखें बंद करके अबू तालिब से निकाह किया देखिए कंफ्यूजन है क्या नहीं ईमानदारी है ये इन बेचारे पक्के सच्चे नेक और बड़े शरीफ मुसलमानों को बचाओ इन्हें हकीकत बताओ मोहसिन इस्लाम की गुस्ताखी करके कहीं ग़ज़बे खुदा का शिकार ना हो जाए पूरी तौर पर बचाओ किसी को हलाकत से बचाना भी तो कार्य सवाब है अगर मिंबर ये काम नहीं करेगा तो कहां से होगा तो चाहो बताओ फिर भी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम कुछ भी नहीं अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है ये जचाने की कोशिश की कि 99. अबू तालिब इज करेक्ट परफेक्ट सॉलिड ये 99% ठीक मगर यहाँ जो हुआ मगर कलमा नहीं पढ़ा यही से बस बिगड़ जाता है जनाब 99% की अजमत रफत शान शफ़क़त इज्जत सारी चीजें बहुत बढ़िया कलमा नहीं पढ़ा तो भाई ये आपके पास किसने भेजा संदेश जो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा ये तो रावी ने बताया रावी था उस वक्त जिस मौके की ये घटना है घटना स्थल पर था अब दो रावी है पुलिस के एक वो जो खैबर के बाद मुसलमान हुआ हिजरी के बाद हजरत अबू तालिब की वफात के 8 बाद मुसलमान हुआ और एक वो है कि जो पैदा ही अबू तालिब की वफात के बाद हुआ कुल दो रावी है कोई मौके पे था ही नहीं और बात है कान के अंदर की घर के अंदर की देखो फिर ईमानदारी से नहीं बताएंगे बड़ा एक्सपर्ट था भाई पैदा होने से पहले नबी अपने घर में अपने चचा से क्या कह रहे थे नहीं चाहता कि आप दांत दे आप शोर बचाए नहीं आप हकीकत सुने और खिलते गुलाब जैसे चेहरों के हवाले से सुने ताकि लेके जाए सुनिए भाई जो अभी पैदा ही नहीं हुआ वो सीना ठोक के ऐसे गवाही दे रहा है आई बटन है सुनिए रसूलुल्लाह कह रहे थे चचा कलमा पढ़ लो मैं बख्शवा दूंगा जहन्नम से बचा लूंगा ये आई रवायत भाई जब आप पैदा ही नहीं हुए आपको पता कैसे ये कोई इस्लाम के साथ दोगलापन अभी पैदा भी नहीं हुआ था हजारों किलोमीटर की दूरी पर था मोहम्मद अपने घर में अपने चचा के कान में क्या कह रहे थे पैदा होने से पहले ये तो सुन लिया और मैदान गदीर में मोहम्मद का क्या नामुमकिन पोजीशन में आप वो बात सुन सकते तो फिर गदीर की बात क्यों नहीं सुनी पूछी मार रहे भाई इसका मतलब कि ऊपर विराम नेक नियति पर मुक्ति नहीं है ये कुछ और है मामला तो कब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा दिए बच्चे हैं मेरे कह रहे हुए क्या मौजू क्या था लेके किधर चले गए मैं उस नहीं करूंगा उस वक्त मीडिया नहीं था अब भाई आप में बहस हो बाहर जाकर उनका मौलाना ने ये पढ़ा है
एक जवान का नहीं भाई ये पड़ा, तीसरा का नहीं ये पड़ा। अब 50 भी कुछ कहे तो हल नहीं होगा। हल कैसे होगा, एक जो सोबर टाइप का लड़का होगा वो क्या करे, खामा खामा खा उलझ रहे हो आपस में, गुत्थक गुत्था हो रहा बिलाव जाता, क्या जरूरत है क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, सामने तो था वो लगावा, मूवी बना रहा था, फिल्म बना रहा था, आवाज भी उसमें आ रही थी, उसे रिवाइंड करो देखो क्या पढ़ा बना रहा है, क्लियर हो जाएगा। ये भी तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि 1400 वर्ष पहले कैमरा नहीं था, VCR नहीं था जी, मीडिया नहीं था, ये कैसे का सिस्टम नहीं था, रसूलुल्लाह ने क्या कहा, अबू तालिब ने कहा क्या, सवाल क्या था, जवाब क्या था, बात क्या थी, कुछ आता मुझे नहीं आता। अरे भाई कहा 1400 साल के मामले में फंसे पड़े हो, चलो छोड़ो, आपका मेल मोहब्बत का जमाना है, वक्त बर्बाद ना करो, कामयाब करो अपने आप को, एजुकेशन बढ़ाओ, इल्म बढ़ाओ, दानिश बढ़ाओ, अपनी मालूमात को बढ़ाओ, अब बराए इल्म के रहने का जमाना नहीं, अब तक तो जॉब मिल भी गया था हिंदुस्तान में, मुस्तकबिल में मिलेगा नहीं जब तक इल्म में सबके ऊपर हावी ना हो जा, इल्म हासिल करना पड़ेगा, तो इल्म का जमाना, इल्म हासिल करो, जहालत की बातों में उलझ कर लड़ो नहीं। उनका नहीं साहब, वो तो 1400 वर्ष पहले पढ़ा लेता, फिर ठीक है जवाब से बेहतर सुनिए, अबू तालिब ने तो नहीं पढ़ा था कलमा, वो इसलिए काफिर है, हम तो पढ़ रहे हैं, हम क्यों, नींद आ रही है क्या, अभी तो नींद आ रही है, नींद भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिमाचल पे शादी होगा तो सोना चाह रहा है, सो जाए मैं जगाऊंगा नहीं, और करिए आप महसूस कीजिएगा, हमने तो कलमा पढ़ा है नहीं पढ़ा, अगर नहीं सुना तो कल से मैं कह रहा हूँ सुन लीजिएगा, अजान में कलमा, इकामत में कलमा, नमाज में कलमा, हर जगह पर हमारा कलमा कहीं छिपा हुआ है, हम पढ़ते क्या पढ़ते हैं, जल्दी आइएगा पढ़ते सलमान पढ़े मोहम्मद वाले, सुनिए हुजूर हमारा कलमा क्या होता है भाई, ये बच्चा क्या साल का होगा, 11 साल का रबिट है, 14, अच्छा चलो ठीक है, 14 बताया कलमा याद है ना, ये तो कह रही गलत है कि याद है, कह रही बच्चे को तो होता ही, हर माँ पढ़ा देती अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहद अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहद अन्न अलियन वलीउल्लाह, भाई हम तो कलमा भी आपसे कुछ आगे का ही पढ़ते हैं, हमारे लिए कोई किताब है, मैं सच्ची सच्ची बातें कर रहा हूँ, 72 फिरके हमारे भाई, किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं हल पेश कर रहा हूँ और दर्द दिल बयान कर रहा हूँ, एक चीज और फरमा रहे हैं, अब देखिए अजीब बात है, जिस फिक्र की तरफ आपको ले जा रहा हूं इसको जरा समझिएगा और गौर कीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा, 73 के 73 फिरके अजरूए कुरान भाई, मगर भाई साहब ज्यादतियां हैं आपस में, रू रियायत नहीं करता कोई, और सबसे ज्यादा मजलूम हम हैं, क्योंकि छोटा ही सबसे ज्यादा पिसता है, क्योंकि हर फिरका हमारा बड़ा है, हर हर कदम पर डांट देता है, चुप रहो काफिर हो, अच्छा हम लड़ते भी नहीं पड़े भाई, कुछ तो दे रहे हैं, और देता वही है इंसान जो उसके पास हो, लड़ते भी होगा हो इसके पास ही जो हमें दे रहा है, अगर कुछ और नेमत होती तो वो देता, रसगुल्ला निकाल के देता है, छोटे लो खजूर खाओ, खजूर का काफी ही था, कोई दे दिया, ये तो खैर खिताबत की बातें हैं, कोई बुरा ना माने, भाई हैं सब, मैं कह रहा ये चाहता हूँ कि 72 फिरकों की किताबों में हमें सबने काफिर लिखा है,
हमारे फिरते के किसी आलिम ने आज तक किसी फिरते को काफिर सही एक आलिम का नाम बताइए, पब्लिक का नाम है, प्रोफेसर का नाम, हमारे किसी साहिब तसावी, कोई राइटर, कोई मौलिक, कोई जिम्मेदार, किसी ने किसी मुसलमान को काफिर कहा? और जागिए, मैं जो कह रहा हूँ, हमसे सनद वाला न मांगना। हम देवबंदी को मुसलमान समझते हैं अपना भाई, बरेलवी को मुसलमान समझते हैं अपना भाई, कुरान की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम, हुसैन की कसम, पंजा तेरे पाक की कसम, आए तथीन की कसम, हर मुसलमान को हम भाई समझते हैं। अब मैं मेरे से दलीलें देने बैठ तो सुबह हो जाएंगे। आप कहेंगे दलील क्या, सबसे मोहतरम दलील बताओ। भाई आप तो हर जगह खा लेते हैं ना, क्या मजबूरी में हमारे यहाँ भी आयत है, खा सकते हैं, मगर एक जगह पे हम मजबूरी में भी रियायत करते हैं, शहदा मासूमीन प्लस हजरत अब्बास हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी की नजर का वक्त आ जाए तो हमारा बच्चा बच्चा है तलाश करता है मुसलमान की दुकान से। इत्तेहाद और एतबार क्या होगा भाई? पहले बात के लिए नजर दिलाना है, देखो नॉन मुस्लिम की याद ना लाना, मुसलमान क्या? अब्बा फोन की याद को मोबाइल भाई, अब्बा कहा बेटे देवबंदी की दुकान है, लिया मुसलमान बाबा हफ्ते जगह बरेली की दुकान है, अरे लिया मुसलमान है, कल बेटा चलिए बाबा वहां भी की दो, अरे लिया मुसलमान, बात कर फिर के लिए अब्बा ने फतवा दे दिया मुसलमान ने लिया, खाए के लिए मना रहे नजर के लिए, तो अब तो मान लो हम तो मैं मुसलमान मान रहे हैं। कोई किताब दिखा दो मुझे आलम इस्लाम की किसी फिरके की जिसने हमारे फिरके को काफिर ना कहा हो, मगर हमने कभी बुरा माना ही नहीं, जिन्हें हमारे कुफर का शायबा भी नहीं मालूम वो हमें काफिर कह रहे हैं, और हमें बड़े बड़ों का कुफर कहा जा रहा है। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है माशाल्लाह, रसूल का कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह की तौहीद को फॉलो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर यहाँ क्यों पेश कर जाता है कहते भाई आपको क्या पता 1400 साल पहले था कि हजरत अबू तालिब ने कलमा पढ़ा था, क्यों किसे भी छोड़ो चलिए धरपड़ की बात, हम तो पढ़ रहे हैं आपके सामने, हमने आपको आधे कलमे पर मुसलमान माना।